और ऐसे सिस्टम में जो भी काम होता है वो वोल्टेज करेंट और फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस करेंट यानी कि अगर हमारे ऐसे सर्किट में फ्रीक्वेंसी का चेंजेस होता है तो वहाँ पर सर्किट पर क्या इफेक्ट डालेगा। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो जो करेंट है, जो करेंट फ्लो हो रहा था वो वहाँ पर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो किस लिए, अगर डिक्रीज होगा तो वो भी किस लिए, किन कारण की वजह से वो इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो उसे वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस आप इस वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखते रहिएगा। अगर आप वीडियो को आखिर तक नहीं देखोगे तो दोस्तों वीडियो का मज़ा आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए, जब हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिकल लोड इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम तीन तरह का लोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सॉरी चार तरह का लोड हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। चार क्या है, एक तो है आपका आर लोड, ठीक है, एक है आपका आर लोड जहाँ पर आपका ओनली रेजिस्टिव लोड होता है, जहाँ पर आपका ओनली रेजिस्टिव लोड होता है, और एक है आपका एल लोड, ठीक है, और एक है आपका एल लोड जहाँ पर सिर्फ हम इंडक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका एल लोड यानी कि इंडक्टर लोड, और एक होता है आपका सी लोड, तो जहाँ पर हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका कैपेसिटिव लोड, ओके। और जो चौथा है वो क्या है आपका आर एल एंड सी, ठीक है, आर एल एंड सी, तो जहाँ पर हम इन तीनों का इस्तेमाल करता है वो होता है आपका आर एल सी सर्किट। तो यहाँ पर इस तरह से और भी बहुत सारे सर्किट बन जाएंगे, लेकिन बेसिकली हम चार ही सर्किट इस्तेमाल करते हैं। तो इस रेजिस्टिव सर्किट में अगर फ्रीक्वेंसी चाहे इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या फिर जीरो हो जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये कुछ भी नहीं देखता भाई, तू कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद आता है आपका एल एंड सी, तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी का बहुत ही बड़ा रिलेशन होता है, एल एंड सी के अंदर फ्रीक्वेंसी का बहुत ही बड़ा रिलेशन होता है। जिस सर्किट में अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो ना तो वहाँ पर करेंट जो है वो बहुत ही चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो करेंट ऑब्वियसली यहाँ पर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो करेंट फ्लो होता है एल एंड सी के अंदर वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अगर कोई सर्किट है जहाँ पर इन सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर ही लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक सर्किट है, ठीक है, जहाँ पर ओनली इंडक्टर ही कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो करेंट फ्लो होगा, यहाँ पर जो करेंट फ्लो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस सर्किट का इम्पीडेंस। जैसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसी तरह हम ऐसे सर्किट में बोलते हैं इम्पीडेंस, ओके। तो अगर हम यहाँ पर आई कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, वी बाई आर। अगर हम डीसी केस में, अगर हम एसी केस में वो कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई जेड, जेड यानी कि इम्पीडेंस, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस कैसे निकाला जाता है, देखिए इम्पीडेंस यानी कि जेड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका इम्पीडेंस का फॉर्मूला। आर यानी कि रेजिस्टेंस कितना है उस सर्किट में, एक्सएल यानी कि उस सर्किट का इंडक्टर रिएक्टेंस कितना है, जो इंडक्टर है इसका इंडक्टर रिएक्टेंस उस सर्किट में कितना है, और एक्सी यानी कि जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है, जिसे हम बोलते हैं एक्सी, ओके। तो यही होता है इम्पीडेंस का फॉर्मूला। बात करें किसकी, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर वाले सर्किट में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जीरो, और ये क्या हो जाएगा, जीरो, सिर्फ और बचेगा क्या, एक्सेल का स्क्वायर। तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू एक्सेल यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस इज इक्वल टू एक्सेल। और अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ एक्सी की, तो यहाँ पर इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये आपका कितना है, तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर हम निकाले, एक्सेल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल, ठीक है, और ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई f, और ये एल को एल यहाँ पर हमने उतार दिया, ओके। तो एक्सेल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई f l, ओके। तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट,
तो यहाँ पर हमारा फ्रिक्वेंसी वर्सेस करेंट का टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो टू पाई जो है ये कांस्टेंट है, और ये जो एल है यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या इसको लिख सकते हैं, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एक्सएल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी कि यहाँ पर अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होता है तो जो करंट है, सॉरी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, और अगर यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होता है तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये भी यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो जिसके मदद से अगर यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। अगर यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज होता है तो जो करंट है ये यहाँ पर ज़्यादा फ्लो होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं आई इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी कि अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो जो करंट है ये यहाँ पर डिक्रीज होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये इंक्रीज होगा, और अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होता है तो सर्किट में करंट कम फ्लो होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो जो करंट है ये यहाँ पर डिक्रीज होगा, अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है तो जो करंट है ये यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो अभी हम बात करते हैं कैपेसिटिव सर्किट में। तो यहाँ पर क्या होगा देख लेते हैं, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, तो ये हो गया आपका 1/ωC, जिसे हम लिखते हैं 1/2πfC। तो अगर हम यहाँ पर 2π और C को हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, XC इज इक्वल टू 1/F, यानी कि XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दोस्तों वीडियो को आधा मत छोड़िएगा, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आगे और बहुत सारी नॉलेज आपके लिए रखा हुआ है। तो देखिए अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है क्या होगा, यहाँ पर ये इंक्रीज होगा, और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पर इंक्रीज होता है तो जो इम्पेडेंस है ये यहाँ पर इंक्रीज होगा, और अगर यहाँ पर इम्पेडेंस इंक्रीज होता है तो जो करंट है क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। यानी कि यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर कैपेसिटर सर्किट में अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो जो करंट है ये यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, कहाँ पर हम लिख सकते हैं कैपेसिटिव सर्किट में, हम लिख सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी कि अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो जो करंट है यहाँ पर इंक्रीज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने की वजह से जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है डिक्रीज हो रहा है, और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो जो करंट है ये यहाँ पर इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इम्पेडेंस घट रहा है तो जो करंट है ये यहाँ पर बढ़ेगा। तो इसी की वजह से हम इसको यहाँ ये लिख सकते हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यहाँ पर अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होता है तो जो करंट है यहाँ पर ये इंक्रीज होगा। तो ये तो बात हो गया आपका इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट में। तो अभी अगर हम बात करें कि अगर हम इन दोनों को या फिर अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं, अगर हम LC सर्किट ले लेते हैं या फिर RL सर्किट ले लेते हैं या फिर LC या फिर RLC सर्किट ले लेते हैं, तो चलिए मैं आपको एक RLC सर्किट बनाकर बताता हूँ कि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से क्या चेंज होता है। यहाँ पर हमने एक RLC सीरीज सर्किट ले रखा है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो इस सर्किट में क्या रिएक्शन होता है। यहाँ पर जो करेंट फ्लो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस सर्किट का इम्पेडेंस कितना है। तो यहाँ पर R भी है, L भी है और C भी है, तो यहाँ पर जो इम्पेडेंस निकल सकता है, तो इम्पेडेंस का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, Z इज इक्वल टू √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। जो करंट है वो क्या हम लिख सकते हैं, V/Z। यहाँ पर वोल्टेज कितना है और इस सर्किट का इम्पेडेंस कितना है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं V/Z। उधर पहले हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह से यहाँ पर तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने पर यहाँ पर करंट डिक्रीज हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने पर यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों के अंदर अलग डिफरेंस
अलग रिएक्शन हो रहा है, जहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर करंट डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है। तो अभी अगर ये तीनों सर्किट एक ही जगह पर है तो यहाँ पर अभी क्या काम करेगा, ओके यहाँ पर अभी क्या काम करेगा वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए इस सर्किट में मैं जो फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, उस सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, अभी मान लीजिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपका जीरो में मैंने ले लिया, कितना ले लिया हमने, एफ इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो कितना होगा, यहाँ पर एक्सएल इज इक्वल टू टू पाए एफ एल, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू पाए एफ सी। तो यहाँ पर हमने अगर फ्रिक्वेंसी जीरो ले लिया तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपका जीरो, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका जीरो। तो यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो रहा है आपका, तो यहाँ पर एक्सएल इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका जीरो, और यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा, वन बाई जीरो कितना होगा आपका, इन्फाइनाइट। ओके तो यहाँ पर देखिए इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना हो रहा है, इन्फिनिट हो रहा है। तो यानी कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस जो कि इम्पीडेंस है ये यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिट आ रहा है। तो यहाँ पर करंट क्या होगा, बहुत ही कम फ्लो होगा। तो यहाँ पर करंट कितना होगा, बहुत ही कम यहाँ पर फ्लो होगा। ओके तो यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इसका जो जो कैपेसिटी रिएक्टेंस है ये यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके और यहाँ पर ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, ओके फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का पॉइंट, ओके ये एक पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी पर है, और ये है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो कि आपका जीरो पर है। ओके तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज होगा और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके तो मान लीजिए ओके तो मान लीजिए ये है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके तो ये जीरो फ्रीक्वेंसी पर, ये जीरो पर है, जीरो फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो पर है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये इन्फिनिटी पर है, ठीक है। हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाने लगे, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो जिसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस धीरे धीरे वैल्यू इसका कम हो रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो जिसके वजह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू कम हो रहा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर है, नीचे। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहा है, एक ही रेखा में आ जाते हैं, ठीक है। ये जो एक ही रेखा में दोनों आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर सेम आ रहा है, जिसकी के वजह से यहाँ पर ये दोनों एक ही रेखा में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इन दोनों पॉइंट जो है ये एक ही रेखा में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सएल, ये आपका एक्स सी, तो इन दोनों का वैल्यू अभी सेम होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, ओके एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, यानी कि एक्सएल का वैल्यू जितना होगा एक्स सी का वैल्यू भी उतना होगा। तो अगर अभी हम इसका नेट रिएक्टेंस यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नेट रिएक्टेंस अगर हम निकालें तो ये आपका हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा नेट रिएक्टेंस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नेट रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो, ओके। तो यहाँ पर अगर रिएक्टेंस जीरो हो रहा है, क्योंकि दोनों का वैल्यू अगर सेम हो रहा है तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेट रिएक्टेंस, ठीक है, इन दोनों का रिएक्टेंस मिलकर क्या हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो रहा है। अगर यहाँ पर नेट रिएक्टेंस जीरो हो रहा है तो यहाँ पर इम्पीडेंस क्या होगा,
ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा ये वाले वैल्यू, तो सिर्फ और सिर्फ इम्पेडेंस जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और हम इसको लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर आर स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि जेड इज इक्वल टू आर। सर्किट में बचा क्या, सिर्फ ये आर बचा, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्सएल इज इक्वल टू एक्स ही हो रहा है। ठीक है, तो अगर जिस कंडीशन पर, ठीक है, जिस पॉइंट पर जहाँ पर ये तीनों मिलकर रह रहे थे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तीनों का रेजिस्टेंस मिलकर के हाई हो रहा था, और अगर हाई रेजिस्टेंस है तो करंट कम फ्लो होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर इन दोनों को हम निकाल देते हैं तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्स ही होने की वजह से क्या हो रहा है, दोनों यहाँ पर जीरो हो जा रहे हैं। तो सर्किट में कौन बच रहा है, सिर्फ आर। ठीक है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस यहाँ पर कम हो जाएगा, सर्किट का इम्पिडेंस कम हो जाएगा, तो जिसके वजह से यहाँ पर करंट क्या होगा, हाई अमाउंट का यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा। तो यही जो पॉइंट निकला ना एक्सएल इज इक्वल टू एस सी, ये जो पॉइंट यहाँ पर निकल करके आया, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, इसी पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन में हमारा सर्किट में क्या क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में हमारा सर्किट में क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, यानी कि वहाँ पर नेट रिएक्टेंस इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट में हाई अमाउंट का करंट फ्लो होने लगता है। ओके, और ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी निकल कर आता है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या फिर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, किसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको भी एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और दिल से करना। ठीक है, दिल से लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके, वो भी कुछ ज्ञान ले सकें, तो उनको भी शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन क्लिक जरूर कर देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।